बताता हूँ ये गाड़ी भाई सारे स्कूटरों का बाप क्यों है, इसी सब चीजों के बारे जो है ये बाकी स्कूटरों का जो है बाप है। गाइस तो आज हम लोग जो है भाई यहाँ पे आपको एक स्कूटर की वीडियो दिखाएंगे जो कि यूथ के बीच में उसका बहुत ज्यादा क्रेज है और 125 सीसी के मामले में भाई वो सभी स्कूटरों का बाप है। तो आज हमारे सामने है भाई यहाँ पे TVS का एंटॉर्क स्कूटर XT वेरिएंट को हम लोग कवर करेंगे। इसके जो है हम आपको सारे फीचर स्पेसिफिकेशन डिटेल्स प्राइसिंग सब चीजों बताने वाले हैं। तो हाय गाइस मेरा नाम है स्वप्निल श्रीवास्तव और आप देख रहे हो स्वप्निल श्रीवास्तव ब्लॉग्स। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो ये हमारे सामने खड़ा हुआ है भाई TVS का एंटॉर्क स्कूटर जो कि हमारा XT वेरिएंट है जिसमें जो है सिर्फ यही कलर आता है और कोई कलर आता ही नहीं है। और ये है भाई इसकी चाबी देख सकते हो, चाबी में कोई चेंजेस नहीं, टिपिकल हरी स्कूटर की तरह जो ये चाबी है। लेकिन ये स्कूटर जो है बाकी स्कूटरों का बाप क्यों है सबसे पहले बताते हैं। परफॉर्मेंस, इसका जो लुक्स आता है, इसमें जो ग्राफिक्स इस्तेमाल करे गए हैं और जो इसकी प्राइसिंग है, इसीलिए जो है ये बाकी स्कूटरों का बाप है। तो क्यों है आप लोगों को बताते हैं। सबसे पहले हम आपको जो है इसका फ्रंट लुक दिखाना चाहेंगे। हालांकि ये जो है पेड़ के नीचे जो है थोड़ा सा इधर खड़ा हुआ था इसलिए जो है थोड़ा सा गंदा हो चुका है, तो इसलिए आप लोग थोड़ा सा मुझे माफ़ कर देना। बाकी अगर ये स्कूटर खरीदना है तो आप लोग जो है निर्माण TVS पे आ चुके हो जो कि हमारा बिठौली क्रॉसिंग सेक्टर 8 जानकीपुरम में पड़ता है। एड्रेस सारी जो है मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल के रखी हुई। सबसे पहले इसका फ्रंट लुक आप लोग देखो, काफ़ी ज़्यादा खतरनाक लगता है। और इसके जो DRLs दे के रखे हुए हैं वी शेप में जो कि पूरा टॉर्क के लिए जो है देखो तो इधर से टी पूरा बनाता है जो कि काफ़ी बढ़िया लगता है, काफ़ी अमेजिंग लगता है। और क्योंकि इसकी लाइट्स के जो LED लाइट्स हैं उसका थ्रो भी काफ़ी अच्छा है। प्लस इसका जो कलर कॉम्बिनेशन के बारे में बात करते हैं कि ग्रीन और ब्लैक का जो कॉम्बिनेशन है वो काफ़ी बढ़िया है। साथ में इसमें जो है आपको 155 mm की जो है ग्राउंड क्लियरेंस मिल जाती है। ग्राफिक्स इतना बढ़िया इस्तेमाल किया गया हुआ है कि आप यहाँ पे देख सकते हो साइड कॉल पे भी जो है 125 की जो है ग्राफिक्स जो पूरी डिटेलिंग करी गई है। टायर्स के सेगमेंट के बारे में बात करें तो काफ़ी बढ़िया इसमें जो हमको टायर सेगमेंट मिल जाता है। यहाँ पे आप देख सकते हो आगे जो है आपका 180x12 inch का जो है इसमें अलॉय व्हील्स का इस्तेमाल किया गया हुआ है। और आगे में जो आपको जो डिस्क ब्रेक मिलती है 220 mm की जो हमको इसमें डिस्क ब्रेक मिल जाती है तो काफ़ी बढ़िया है। साथ में जो है इस साइड अगर हम बात करें तो यहाँ पे भी जो हमको एंटॉर्क की जो है बैचिंग मिलती है फ्रंट सेक्शन में। यहाँ पे हमें ये ग्लॉसी इफेक्ट में जो है TVS वाला दे के रखा हुआ है, काफ़ी बढ़िया। और यहाँ पे हमको TVS की जो है 3D में बैचिंग मिलती है। इस साइड जो है हमें नंबर प्लेट होल्डर मिल जाता है। यहाँ पे जो है हमको देख सकते हो इधर भी जो है ग्राफिक्स का फिलहाल इसमें जो है खूब ज़्यादा यूज़ किया गया है क्योंकि ये स्कूटर को जो है हमारे फुल जो है स्पोर्ट्स लुक में बनाया गया है। इसीलिए इसका आप देख सकते हो एग्जॉस्ट भी जो है कितने अच्छे तरीके से दिखाया गया है। इसी सब चीज़ों के बारे जो है ये बाकी स्कूटरों का जो है बाप है। ये गाड़ी भाई सारे स्कूटरों का बाप क्यों है, सबसे पहले जो इसका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर देखो, फुली जो है आपको कलर्ड इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिल जाता है। यहाँ पे कितना अच्छा एनिमेशन आता है एंटॉर्क 125 का, साथ में हाईराइडर लिख के आता है। यहाँ से आप मोड सेट कर सकते हो, यहाँ से आप देखो स्टीड मोड पे लग गया गाड़ी, फिर जो है थोड़ी देर बाद आपका जो है इसमें स्पोर्ट मोड पे भी लग जाएगा। तो इसमें जो है आपको दो मोड्स मिल जाते हैं। इस साइड आपको जो है देख सकते हो फ्यूल गेज मीटर मिल जाता है, स्पीडोमीटर, ट्रिप ए ट्रिप बी सेट कर सकते हो, ऑडोमीटर मिल जाता है। यहाँ पे आपको जो है इधर सारे जो है सिंबल्स मिल जाते हैं। स्टैंड जैसे अभी जो है साइड स्टैंड लगा तो यहाँ पे सिंबल शो कर रहा है। बाकी आपके जिसमें हैजार्ड ऑन कर देता हूँ जो यहाँ पे आपको जो है सिंबल्स इंडिकेटर्स के आ जाते हैं। यहाँ पे आपको जो फ्यूल गेज का सिंबल शो कर रहा है, इंजन का सिंबल शो कर रहा है। अब हम लोग बात करते हैं तो भाई यहाँ पे ये बटन क्यों दे के रखा हुआ है। ये बटन भाई इंटेलिगो का बटन है, जैसे कि आप जो है जाम में गाड़ी को अगर खड़ा करते हो तो गाड़ी आपकी जो है 20-25 सेकंड के लिए खड़ी होगी तो अपने आप बंद हो जाएगी और हल्का से ब्रेक दबा के एक्सीलेटर लोगे वापस स्टार्ट हो जाएगी। नॉर्मल आप अगर बंद कर दोगे तो नॉर्मल आपकी गाड़ी बंद नहीं होगी। तो ये आप जो है फीचर काफ़ी अच्छा मुझे लगा। साथ में जो है यहाँ पे आपको वॉइस असिस्टेंट भी मिल जाता है, साथ में यहाँ पे सेल्फ वाला भी जो है आपको मिल जाता है। काफ़ी बढ़िया जो है इसके लुक हैं, इसीलिए इसके साथ जो है ये सभी स्कूटरों का अच्छा जो है बाप बन के आ रहा है। और यहाँ पे जो है ये इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है काफ़ी अच्छे तरीके से बनाया गया है। इस साइड आपको जो है यहाँ पे लॉक ऑन ऑफ मिल जाता है, यहाँ पे एक हुक मिलता है जिससे कि आपको जो है सब्जी वब्जी की टांगनी है तो यहाँ पे टांग सकते हो। बाकी यहाँ पे फुटरेस्ट की क्वालिटी काफ़ी बढ़िया है और गाड़ी की जो क्वालिटी है बिल्ड क्वालिटी उसमें कोई कमी नहीं है, बल्कि इसके जो ये फुटरेस्ट आप देख रहे हो काफ़ी अच्छे हैं। बाकी आपके जो है यहाँ पे अगर आप पैरा रखोगे, यहाँ पे आप सिलेंडर भी रखोगे तो आराम से आ जाने वाला है। बाकी गाड़ी काफ़ी अच्छी लग रही है। आप लोग मुझे इसके ग्राफिक्स बता सकते हो, आपको जो है 5.5 लीटर का फ्यूल टैंक कैपेसिटी मिलती है 5.5 लीटर की जो कि यहाँ पे आप डाल सकते हो। इंजन के बारे में अगर हम बात करते हैं तो जो कि हमारा 124.6 सीसी का सिंगल सिलेंडर 4 स्ट्रोक इंजन मिलता है जो कि हमारी पावर प्रोड्यूस करता है भाई 9.61 PS पावर और 10.6 Nm का टॉर्क जो कि काफ़ी ज़्यादा है भाई स्कूटर के हिसाब से। और स्कूटर के हिसाब से नहीं, जो हिसाब से भाई ये स्पोर्टी हमारा जो स्कूटर मिलता है तो इस हिसाब से जो है इतना पावर तो होना ही चाहिए था। पीछे जो हम अगर इसके टायर प्रोफाइल के बारे में बात करते हैं तो पीछे वाला 110/80 12 inch का जो हमको इसमें अलॉय व्हील्स मिलता है, पीछे वाला हमारा जो टायर प्रोफाइल है वो 110 mm का जो है टायर प्रोफाइल मिलता है। JK के हमको इसमें टायर मिल जाते हैं और इसमें देख सकते हो LED नहीं मिलते हैं हमको इसमें इंडिकेटर, हमें इसमें इंडिकेटर जो है फ्यूल बल्ब वाले इंडिकेटर मिलते हैं और नीचे आपको रिफ्लेक्टर मिल जाता है। यहाँ नंबर प्लेट होल्डर के लिए जो है टेल टाइडी देख रखी, टेल टाइडी यार ये काफ़ी बढ़िया क्वालिटी की है। हाँ अंदर से जो आप देख रहे हो यहाँ पे आपको जो है टायर कवर मिल जाता है, इस साइड हमें जो है एग्जॉस्ट मिलता है और
बात करते हैं इस साइड जो है रिफ्लेक्टर मिल रहा है, लेकिन टेल टाइडी की जैसे मैंने बताया कि क्वालिटी बहुत बढ़िया है, तो पीछे से जो लुक है वो भी काफ़ी बढ़िया बनाया गया है। और इसकी जो आप लोग जो पीछे वाली टेल LED लाइट देख सकते हो उसमें भी जो है टॉर्क का जो है T इस्तेमाल किया जा रहा है, और यहाँ पे काफ़ी अच्छा जो है वेंट्स बनाए गए हैं, ये काफ़ी अच्छा जो है लगता है। पीछे हम बात करें तो यहाँ पे जो हमको ग्रैब हैंडल्स मिल जाते हैं, स्प्लिट ग्रैब हैंडल्स मिलते हैं, और ये जो एंटॉर्क की बैचिंग देख रहे हो ये भी जो है 3D में हमें एंटॉर्क की बैचिंग मिल जाती है। सीट हाइट के बारे में बात कर लेते हैं तो भाई 700 mm की जो है हमको इसकी सीट हाइट मिल जाती है, काफ़ी बढ़िया है, सीट कम्फर्ट बहुत बढ़िया है, सिंगल सीट में हमको इसमें मिलती है। बाकी पीछे जो हमें 130 mm के जो है डिस्क ब्रेक नहीं मिलते हैं, ड्रम ब्रेक्स मिलते हैं। इस साइड जो हमको स्टैंड मिलता है काफ़ी बढ़िया क्वालिटी का स्टैंड है, स्टल्डी स्टैंड है, तो स्टैंड की क्वालिटी भी काफ़ी बढ़िया है। अब हम लोग यार इसकी जो आपको बूट स्पेस दिखा देते हैं कितना है, सो ये देख सकते हो भाई, ये हमको जो इसमें 22 लीटर का जो है बूट स्पेस मिल जाता है, काफ़ी बढ़िया बूट स्पेस है, और 22 लीटर का बूट स्पेस बहुत आराम से आप जो है इसमें अंदर जो है सामान रख सकते हो। बाकी ये गाड़ी जो है ज़्यादातर लड़के लेते हैं क्योंकि उनको राइड वाइड करना होता है, इसीलिए जो है लेते हैं। और यहाँ पे बात कर लेते हैं इस गाड़ी का माइलेज कितना आता है, तो भाई गाड़ी जो है कंपनी देखो क्लेम आपको कर देगी कि भाई आपको जो इसमें 55+ माइलेज आने वाला है, लेकिन एक्चुअल माइलेज जो है यार ये 40-45 बहुत आराम से माइलेज दे देता है। इंडिकेटर्स की जैसे मैं बता रहा था आपको, पीछे जो बल्ब वाले इंडिकेटर्स मिलते हैं, आगे भी जो है आपको बल्ब वाले इंडिकेटर्स मिलते हैं, यहाँ पे इंडिकेटर्स दे के रखे हुए हैं। और इसमें जो आपको दोनों ब्रेक्स, आपको जो पता ही है कि स्कूटर है भाई, ये ब्रेक्स की क्वालिटी भी काफ़ी बढ़िया है, डिसेंट सी क्वालिटी है ब्रेक्स की। अगर इतना स्पोर्टी किया गया था तो उम्मीद तो ये थी कि जो ब्रेक्स दे रहे हैं वो भी जो है थोड़े एल्युमिनियम फिनिश में दे देते, लेकिन कोई नहीं, प्राइसिंग मैं अभी आपको बताऊंगा, प्राइसिंग के हिसाब से जो है बहुत बढ़िया ये गाड़ी है। बाकी इसमें जो है इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर जिसने मैंने आपको दिखाया कि वो सारा जो है डिजिटली मिलता है, तो इसीलिए जो है कोई चिंता करने वाली बात है नहीं। इसमें स्पीडोमीटर, ओडोमीटर, टैकोमीटर सारी चीज़ है, ब्लूटूथ से आप जो है कनेक्ट कर सकते हो, जो कि यहाँ पे बैचिंग भी करी गई है स्मार्ट एक्स कनेक्ट की। और गाड़ी के आप जो हम प्राइसिंग के बारे में बात कर लेते हैं, तो एक्स शोरूम प्राइसिंग जो है इसकी 1,06,871 रुपये की है, और अगर हम बात करें इसके ऑन रोड प्राइस, लखनऊ में इसका ऑन रोड प्राइस जो है 1,29,500 रुपये है, जो कि इस प्राइस में ये स्कूटर सभी स्कूटरों का बाप है, इतने ज़्यादा फीचर्स भी हैं, प्राइस भी कम है। और सस्पेंशन जो मैंने आपको बताना भूल गया हूँ, सस्पेंशन जो है इसमें टेलीस्कोपिक सस्पेंशन इस्तेमाल करेंगे, तो ये जो है काफ़ी बढ़िया स्कूटर है। आपको अगर लेना है स्पोर्टी और थोड़ा अच्छा लगे तो आप जो है ये स्कूटर ले सकते हो, प्राइसिंग 1,29,500 लखनऊ में है। तो अगर ये स्कूटर आपको ख़रीदना है तो आप लोग जो है निर्माण TVS पे आ सकते हो, जो कि हमारा बिठौली क्रॉसिंग सेक्टर 8 जानकीपुरम में पड़ता है। कॉन्टैक्ट डिटेल्स मैंने सारी डाल के रखी हुई हैं, आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मैप लोकेशन भी मिल जाने वाली है, कॉन्टैक्ट नंबर आपके स्क्रीन पे आ रहा होगा, अगर ये गाड़ी लेनी तो कॉन्टैक्ट कर सकते हो। और कौन सी गाड़ी देखनी तो भाई कॉमेंट में बताओ, इंस्टाग्राम पर अगर फॉलो नहीं किया तो इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लेना, इंस्टाग्राम पर जो इसके हिडन फीचर्स मैं आपको बताता रहता हूँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक लिए गाइस जय हिंद, वंदे मातरम।